नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के दुगौली कला गांव से होकर गुजरी पीली नदी में रविवार की रात एक युवक डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो परिजनों में इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। पीली नदी से सटे कस्तूरीपुर गाँव निवासी रामपाल निषाद का पुत्र अमरजीत 30 रविवार को दिन में मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल लगाया था। रात में 12 बजे के करीब वह 3-4 दोस्तों के साथ देखने गया कि मछली जाल में फंसी है कि नहीं। इसी बीच वह अनियंत्रित होकर नदी में चला गया। उसके साथी बचाने का काफ़ी प्रयास किए, लेकिन बचा नहीं सके। सुबह सूचना मिलते ही कार्यवाहक निरीक्षक कश्यप कुमार सिंह मैफोर्स मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। गोताखोरों के माध्यम से युवक की तलाश की जा रही है। मौके पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई है। युवक के पिता का कहना है कि मछली पकड़ने गया या शौच करने मुझे पता नहीं। उधर कार्यवाहक निरीक्षक ने बताया कि लोकल गोताखोर तलाश कर रहे हैं, जिले से भी गोताखोर बुलाए गए हैं। वहाँ पे उनको बुलाने गए तो उसके बाद वो तुरंत भाग के नदी में कूद गए। नदी में कूदने के बाद मैं वहाँ उस साइड गए तो बोले बचाओ बचाओ, तब मैं उनको इधर लाया तो एकदम पूरा लाठी तोड़ के तो वो उस साइड भाग गए। फिर हमसे झटक के तब उसके बाद हम लोग देखे नहीं किधर गए। बस केवल पानी का आवाज़ सुन रहे थे, फट 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 फट। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। खा पी के आए थे, अब इसके बाद में नदी ये लोग आए थे, बस वहाँ नदी में फिसल गया। कैसे गया उसके बारे में हम घर बैठे बता नहीं सकते। वो लड़का की शिकायत मिल रही है, डूब गया क्या नहीं। लड़का बता रहे हैं कि मछली मारने आया था भाई। ये मछली मारने गया कि उत्पत्ति करने गया, क्या गया कैसे गया उसको तो भगवान ही जान सकते हैं। हम तो घर पे थे, अब उसके बाद वहाँ से मेरे सब छान। आपको क्या लगता है कि लड़का हमारा डूबा है? अब भाई कुछ शंका तो रात में यही थी, लेकिन अब सुबह की शंका कुछ लोग बात कुछ और कह रहे हैं। कोई दिल्ली नहीं गवाही दे रहा मैं करूँ कौन उसको विश्वास कर। क्या नाम है आपका? रामपाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।